आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नगढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि घटना अत्यंत दुखद है। घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। घायलों का इलाज किया जा रहा है। हरदा में हुई घटना को लेकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दुख व्यक्त किया एवं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति जी ने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरदा की घटना पर दुख व्यक्त किया है। घटना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। हरदा के ग्राम बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की घटना की जांच के लिए गृह विभाग की ओर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी घटना के संपूर्ण कारणों की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य शासन द्वारा हरदा जिले के अंतर्गत बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री एवं गोदाम में घटित घटना के बचाव एवं राहत कार्य की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर घायलों से मुलाकात की एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री सिंह ने चिकित्सकों एवं संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-2024 में 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति समेत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन, विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरु किए जाने का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में, डिफेंस कॉलेज दिल्ली से प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण के लिए आए वायुसेना के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस 15 सदस्यीय दल में मंगोलिया, ब्राजील, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के अधिकारी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज समत्व भवन में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री चंद्रशेखर शर्मा ने सौजन्य भेंट की।